अस्सलाम वालेकुम मेरे पुत्रों ते क्यों की हाल है ठीक ठाक हो आज आमदा चार पा के खान लगी हैं तुम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सबका ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आज मेरी दादी माँ आम का अचार डालने लगे हैं, वो आपको बना के दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे पुत्रों ते क्यों की हाल है ठीक ठाक हो ते आज मैं चार पा के हम बना से तुम खान लगी हैं। आधा किलो नमक, आधा पा मेथी सौंफ ते मेथी। ठीक है जी, 125 ग्राम सौंफ है और 125 ग्राम मेथे हैं। एक चम्मच बसार, एक चम्मच पीसिया मिर्चा सुना, एक चम्मच हल्दी है और एक चम्मच सुरा मिर्च और आधा किलो नमक है। दादा माँ जी, इन चीज़ों को मिक्स कर लेना। इन्होंने की था मिक्स करके तो फिर उन्होंने रहा के फिर चार पा। ठीक है जी, नहीं जी देखें माशाल्लाह जी, दादा माँ ने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर ली है। त्रै किलो अंब ने तो उन्होंने हम मसाला ले जी, 3 किलो अंब है, इस तरीके से काट लिए। दादी माँ जी, इसको धोते तो नहीं है ना? पहला धो ले देने ना तो कट्टी दे साबत। इस तरीके से इससे ऐसे तो नहीं ना दादी माँ धो सकते? नहीं इस तरह तो नहीं ना, कट के तो नहीं धोवी दे, कटने वाले हो तो धोवी दे। ठीक है जी, साबत सही है। बिस्मिल्लाह जी, अभी दादा माँ मसाले को डालने लगे हैं। इस तरीके से आपने सारे मसाले को डाल लेना है। अभी दादो माँ जी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मसाले को। इन्हें मिक्स करके इन्हें डोल बाल्टी दे विच देखें जी, इस तरीके से दादो माँ अच्छे तरीके से मसाले को रला लेंगी। लें जी देखें जी, दादो माँ ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया चार को। अभी दादो माँ जी, इसको क्या करना है? इन्हू किसी भांडे च पा के ना तो उत्तों बन के मूँह तो तार छना, त्रीजे दड़े पानी ला के ते तेल पाना। ठीक है जी, इसको दादी माँ जी 3 दिन तक ढक के रख देना जी, फिर इसका पानी उतारना। ये पानी दादी माँ ही छोड़ेगा? पानी भी छोड़ता है तो फिर जो मसाला पाइए उस पानी ने गल गुल जाता। ठीक है जी, इसको आपने 3 दिन तक ढक के रखना है, फिर इसका पानी उतार लेना है। पानी उतारने के बाद दादा माँ जी इसमें ऑयल डालेंगे जी। कितना ऑयल डालना है? 2 किलो सरसों का, 2 किलो ऑयल डालेंगे जी। भाई जरा डूबे रहना फिर सोना रहता चार, खराब नहीं होता। सही है जी, दादी माँ जी अचार से ऊपर ऑयल रहना चाहिए जी। ठीक है जी। अच्छा, तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।